अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट का पार्ट टू लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट वन में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे और साथ ही साथ मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए थे, यानी चैप्टर की समरी भी मैंने आपको बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का कुछ डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। कल से कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट हमारी एक्सटेंड हो गई है। तो आप लोगों ने कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में देखा होगा, आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ तक ये भी आपको बताया जा रहा है कि अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई इस टॉपिक पर। तो वीडियो इसलिए मैंने नहीं बनाई क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। अभी आप पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो आपको वही पुरानी डेट लिखी हुई मिलेगी, 19 जुलाई वाली और 25 जुलाई वाली, यही डेट आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों की है jeecup.nic.in। आप इस वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको वही पुरानी डेट देखने को मिलेगी जो आपको पहले बताई गई है। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप इन सब न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। जब वेबसाइट पे अपडेट होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को बढ़ा दिया गया है, तब आप मानिएगा, ठीक है। और जैसे ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आता है तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विदाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं कोई न्यूज़ नहीं देता हूं। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ यहां पे चल रही है कल से कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इस टॉपिक पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि पार्ट वन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया क्या है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। तो ऑप्शन ए दिया है मध्य में, ऑप्शन बी दिया हुआ है शीर्ष पर, ऑप्शन सी दिया हुआ है कहीं भी, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शीर्ष पर। अब इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि द्रव की ऊपरी सतह का ताप सबसे अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है कि द्रव की ऊपरी सतह का ताप सबसे अधिक होता है, और रही बात द्रव के निचले सतह की, तो निचली सतह का ताप जो होता है वो कम होता है। यानी जो द्रव की निचली सतह होती है वो तो ठंडी होती है, तो वहाँ पर शीतलन व्यवस्था लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द्रव की ऊपरी सतह का ताप सबसे अधिक होता है। इसीलिए शीतलन व्यवस्था कहाँ लगानी होगी? शीर्ष पर लगानी होगी, यानी ऊपरी सतह पर। यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता E है,
इसकी अवशोषकता होगी। क्वेश्चन क्या है कि किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता ई है, इसकी अवशोषकता होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिखा दे रहा हूँ, उत्सर्जकता तथा अवशोषकता में संबंध। जब आप इसको समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता उसकी अवशोषकता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उत्सर्जकता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपकी अवशोषकता होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात ई अनुक्रमानुपाती ए के, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यदि उत्सर्जकता बढ़ेगी तो अवशोषकता भी बढ़ेगी। ध्यान रखना है आपको, यदि उत्सर्जकता बढ़ेगी तो अवशोषकता भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता उसकी अवशोषकता के अनुक्रमानुपाती होती, अर्थात ई अनुक्रमानुपाती ए के। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है अतः ऊष्मीय विकिरण के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो फिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता ई है तो इसकी अवशोषकता होगी, तो इसकी अवशोषकता भी ई ही होगी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको रिलेशन अभी बताया ना कि किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता उसकी अवशोषकता के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि उत्सर्जकता बढ़ेगी तो अवशोषकता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता ई है तो उसकी अवशोषकता क्या हो जाएगी, ई ही तो होगी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। क्वेश्चन क्या है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। चार ऑप्शंस आप लोगों को देख रहे होंगे, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ये आपके प्रकाश की चाल भी होती है। मैंने आपको बताया है प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे दिया है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है। आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया है उनकी मात्रा पर, ऑप्शन बी उनके आयतन पर, ऑप्शन सी दिया है उनके तापांतर पर, और ऑप्शन डी दिया है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उनकी मात्रा पर। यानी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है, उनकी मात्रा पर, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.2 है, यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो तो कितना विकिरण स्थल द्वारा अवशोषित होगा। क्वेश्चन में हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो कितना विकिरण स्थल द्वारा अवशोषित होगा। तो इसके लिए हम सिंपल से फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, अवशोषकता वाला, अवशोषकता बराबर कुल अवशोषित विकिरण और अपॉन में आपका होता है कुल आपतित विकिरण। ये फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट वन में ऑलरेडी बताया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है, अवशोषकता बराबर कुल अवशोषित विकिरण और अपॉन में आपका होता है कुल आपतित विकिरण। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो कितना विकिरण स्थल द्वारा अवशोषित होगा, यानी हमें यहाँ पे अवशोषित विकिरण हमें यहाँ पे निकालनी है। तो अतः अवशोषित विकिरण बराबर आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवशोषकता गुणे
कुल आपतित विकिरण। ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया? ये फॉर्मूला आपका आया इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये फॉर्मूला मिला है। अतः अवशोषित विकिरण बराबर आपका क्या हो जाएगा? अवशोषित विकिरण बराबर आपका हो जाएगा अवशोषकता गुणे कुल आपतित विकिरण। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए आपको अवशोषकता इसकी वैल्यू क्या दी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.2 है। तो अवशोषकता की जगह हम क्या रखेंगे? अवशोषकता की जगह रखेंगे 0.2। फिर फॉर्मूले में है गुणे कुल आपतित विकिरण। तो कुल आपतित विकिरण आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो, तो आपतित विकिरण आपको यहाँ पे 50 जूल, यानी यहाँ पे कुल आपतित विकिरण आपको कितनी दी है? 50 जूल दी गई है। तो 0.2 इंटू 50 जूल ये आपको दिया गया है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.2 की मल्टीप्लाई 50 में, तो आपको मिलेगा 10 जूल और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला याद है बेसिक वाला तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन में चेक कीजिए 10 जूल कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपका क्वेश्चन दिया है कि यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। तो चार ऑप्शन आप लोगों को देख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डब्ल्यू अपॉन एच इज इक्वल टू जे, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे W लिखा है अपॉन में H इज इक्वल टू J लिखा है, तो यहां पे जो W है ये W क्या है? W आपका यहां पे कार्य है, ध्यान रखिएगा वर्क है। अपॉन में H, H आपका यहां पे क्या है? H आपका यहां पे हीट यानी ऊष्मा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहां पे J लिखा हुआ है, ये J क्या है? तो J जो आपका है ये यांत्रिक तुल्यांक है, ध्यान रखिएगा क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो आपका यहाँ पे जे है, जो यांत्रिक तुल्यांक है, इस जे की वैल्यू क्या होती है, इसका मान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जे का जो मान होता है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जो आपका ये जे दिया है इसका मान क्या होता है, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो इसका मान होता है 4.18 इंटू 10 रेस टू द पावर 7 अर्ग पर कैलोरी। क्या होता है? 4.18 इंटू 10 रेस टू द पावर 7 अर्ग पर कैलोरी, ये जे का मान होता है। इसको हर हालत में याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जे की जो वैल्यू है इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, इससे 5 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा 1200 जूल है, पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता होगी। हमसे यहाँ पे पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता पूछा हुआ है, तो सीधे सीधे हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 600 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए समय आपको यहां पे 5 सेकंड दिया है, तो समय यानी टाइम टी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5 सेकंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर यहां पे देखिए पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको 1200 जूल दिया गया है क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना कि 5 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा 1200 जूल है, तो हमें कितना दिया है यहाँ पे, पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1200 जूल हमें यहाँ पे दिया हुआ है।
और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता, ये हमें यहाँ पे निकालनी है। तो पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन में पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे समय, समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहे इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और अपॉन में पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे समय जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए गुणे टी होता है। यहां पे मैंने आपको डिटेल में भी फॉर्मूला लिख के बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज हमको दी गई हैं, सिर्फ हमें वैल्यूज को लाके इस फॉर्मूले में रखना है। तो यहां पे उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1200 जूल। तो क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1200 ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। फिर अपॉन में पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया ए की वैल्यू हमें 600 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की जगह हम यहाँ पे 600 रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया। गुणे समय, समय आपको कितना दिया गया है, तो समय आपको यहाँ पे 5 सेकेंड दिया गया, तो समय की जगह मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 20 ये और ये 20, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ये 6 1 6 2 12 आपका हो जाएगा। तो बचा क्या, ऊपर बचा आपका 2 और नीचे आपका ये 5, यानी 2/5 बचा हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.4 और यहाँ पे 0.4 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड आएगा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.4 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड ये आपका क्या है, तो ये उत्सर्जन क्षमता का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन क्षमता का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड अथवा वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आपका होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों याद रखिएगा। ये दोनों क्या है, उत्सर्जन क्षमता के मात्रक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि उत्सर्जन क्षमता का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड अथवा वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है आपका 0.4 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ऑप्शन में आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ पाए होंगे, टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद कर लेंगे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का ताप 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वस्तु के पृष्ठ से निकलने वाले विकिरण का रंग होता है। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है नारंगी लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी दिया है चेरी लाल और ऑप्शन डी दिया है लाल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी लाल ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक अलग टॉपिक है, आपको वस्तु का ताप देकर आपसे रंग पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक मैं अलग से आप लोगों का कवर अप कराऊंगा, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको वस्तु का ताप और उसके रंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी और उस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पे दिया है कि ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। चार ऑप्शंस आपको दिए, ऑप्शन ए दिया है चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यानी चालन
ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, वह विधि कौन सी होती है? चालन विधि होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पे दिया है कि द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे ऑप्शन ए दिया है संवहन नहीं होता, ऑप्शन बी दिया है विकिरण रोकने के लिए, ऑप्शन सी दिया है कि नीचे की ओर ऊष्मा संचालन सरल रहता है, और ऑप्शन डी दिया है कि वायु भरने से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संवहन नहीं होता है। द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे संवहन नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल है, और सेम ऐसे मैंने आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए, पार्ट 1 में मैंने आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण 84 जूल है, इनमें से 24 जूल पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, पृष्ठ की अवशोषकता ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में पृष्ठ की अवशोषकता ज्ञात करनी है। तो पृष्ठ की अवशोषकता के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है और आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो पृष्ठ की अवशोषकता बराबर आपका फॉर्मूला होता है कुल अवशोषित विकिरण। क्या होता है? कुल अवशोषित विकिरण। तो विकिरण को मैं यहां पे सिर्फ वी लिख दे रहा हूं, बस इससे आप समझ जाएंगे क्या हो जाएगा। कुल अवशोषित विकिरण और अपॉन में आपका होता है कुल आपतित विकिरण। क्या होता है? कुल आपतित विकिरण होता है, ठीक है। विकिरण को मैं सिर्फ यहां वी लिख दे रहा हूं। तो क्वेश्चन में देखिए आपको कुल अवशोषित विकिरण कितनी दी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इनमें से 24 जूल पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो कुल अवशोषित विकिरण आपको यहाँ पे 24 दिया है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया इसकी जगह, कुल अवशोषित विकिरण की जगह। और अपॉन में आपके फॉर्मूले में होता है कुल आपतित विकिरण। तो कुल आपतित विकिरण, पहली लाइन देखिए, किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण 84 जूल है, यानी कुल आपतित विकिरण आपकी यहाँ पे 84 जूल, ये आपको यहाँ पे दिया है। तो 24/84 इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूं। 24 और अपॉन में आपका 84 आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 6 4 24, 6 1 6 2 इधर जाएगा, 6 4 24, तो 4/14 आपको मिला है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.28। क्या मिलेगा? 0.28, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 0.28 कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। तो चार ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी जूल ने, ऑप्शन बी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जब ऊर्जा स्थानांतरण का कारण होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जब ऊर्जा स्थानांतरण का कारण होता है, केवल बल द्वारा विस्थापन, विद्युत आवेश का प्रवाह,
या तापांतर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तापांतर, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जब ऊर्जा स्थानांतरण का कारण क्या होता है? तापांतर होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको चैप्टर की समरी में ही बताया हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ने पर आप कौन सा रंग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ने पर आप कौन सा रंग देखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सफेद। तो जब आप किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आपको वहां पे सफेद रंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहां पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है चालन में, ऑप्शन बी विकिरण में, ऑप्शन सी संवहन में और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संवहन में। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। वो विधि कौन सी होती है? जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी संवहन में, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है और जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ठीक ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर सॉल्व करवाया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला आपका लगेगा, बस यहाँ पे जो आपके नंबर थे ये चेंज कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है, इससे 10 सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा यहाँ पे 1400 जूल है, तो पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता होगी। आपको यहाँ पे पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया। क्वेश्चन में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ए की वैल्यू कितनी दी है? 700 मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्षेत्रफल की वैल्यू आपको दी है 10 सेकेंड में, यानी समय टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा यानी पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको यहाँ पे दिया है 1400 जूल, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा है कि पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता, यानी हमें यहाँ पे ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता ई इज इक्वल टू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता ई इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन में पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इनटू आपका समय यानी टी, समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिखना चाहें फॉर्मूले को तो ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में ए जो क्षेत्रफल आपका है इनटू टी, ये आपका हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे 1400 जूल दी गई है, ये मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। फिर इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपॉन में पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दिया गया है 700 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 700 पृष्ठ का क्षेत्रफल इसकी जगह मैंने रख दिया और समय आपको यहाँ पे 10 सेकेंड का दिया है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समय की जगह हम क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14 हो जाएगा, तो बचा क्या? 2/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.2 मिलेगा और 0.2 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड मिलेगा। ये जो आपका जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है, आखिर ये है क्या? अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था ये उत्सर्जन क्षमता का मात्रक है और इसके अलावा वॉट पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन में आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ पे दिया है कि ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन,
फिर चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता, ऑप्शन बी दिया है नहीं होता, ऑप्शन सी दिया है परिस्थितियों के अनुसार कभी होता है कभी नहीं होता, और ऑप्शन डी दिया है कि प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रकाश के नियमों के अनुसार होता, यानी ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो मैंने आपको यहाँ पे इस चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।